अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई, जिसके लिए हमने एक मेथी की भाजी लिया था, एक गड्डी मेथी की भाजी, जिसे हमने धो के छन्नी में निथार दिया है, और एक कप ताज़ा फ्रेश मटर दाने लिया है हमने। और ग्रेवी के लिए हमें चाहिए, हम पीसने के लिए लेंगे 10 से 12 काजू लिया है हमने, 2 टेबल स्पून चक्के का दही लगेगा हमें, और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी हमने, इसे इस तरह से बारीक चॉप कर दिया है इसे, और टमाटे लगेंगे हमें, तो हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटा लिया था जो टोटल 3 टेबल स्पून है। ये दोनों काटने के बाद 3 टेबल स्पून प्याज है, 3 टेबल स्पून टमाटे हैं। तो हमें ग्रेवी के लिए जो चीज़ लगेगी वो हम बताते हैं आपको। हमें पीसने के लिए मसाले में लगेगा, हमने 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ली है, एक छोटे साइज़ का अदरक का टुकड़ा, 3 इलायची हरी, बिल्कुल 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और हरी मिर्ची हमने 3 से 4 ली है, 4 आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा हरी मिर्ची ले सकते हैं। हमने इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम पीसने के लिए हमें काजू, दही, और ये जो मसाला रखा था हमने, ये और हरी मिर्ची, हम ये एक साथ पीस लेंगे, फिर बगार में हमें प्याज और टमाटर लगेंगे, और इन सब फिर इसे हम उबाल लेंगे पानी में, थोड़ी सी शक्कर डाल के बटाने को और मेथी की भाजी को उबाल लेंगे। बस बिल्कुल हमें सिर्फ गर्म पानी में सिर्फ मेथी की भाजी को डाल के फौरी ही हमें छन्नी में निकाल देना है, और बटानों को भी उसी पानी में हम बॉईल कर हल्का सा बस 1 मिनट रख के इसे भी निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे, और हमें फिर ग्रेवी में डालने के लिए एक कप दूध लगेगा। हमने ये मलाई के साथ दूध लिया है, और गार्निशिंग के लिए और बगार के लिए हमें मलाई लगेगी और काजू लगेगी गार्निशिंग के लिए, और तेल हम जितना लगेगा हमें उतना ही तेल डालेंगे। तो हमने कुकिंग ऑयल लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम मसालों को पीस लेंगे और मेथी की भाजी को बॉईल कर लेंगे। हमने ये एक जार लिया है जिसमें हम ये सब चीज़ें डाल देंगे, काजू, ये हरी मिर्ची और ये सब मसाले, इलायची हमें बगार के लिए लगेगी, इसे हम बारीक पीस लेंगे। चीनी और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो चलिए इसे पीस लेंगे। इस तरह से हमने इसका बारीक पेस्ट कर दिया है। अब इससे हम बगारेंगे। हमने इसे पानी को अच्छे से औटने दिया था, और इसमें बस ये मेथी की भाजी डाल दी है, तो अब इसे हम निथार लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 से 2 टेबल स्पून उतना 3 टेबल स्पून इतना तेल डाला हमने, और ये जो इलायची रखी थी इसे थोड़ा इस टाइप को खोल कर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ये जो प्याज रखी थी ये भी डाल देंगे, अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे 1 से 2.5 मिनट तक। हमारी प्याज थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई, तब इस
टमाटे जो रखे थे हम ये डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हुए इतना दो मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। ये अच्छे से दो एक डेढ़ मिनट से हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं टमाटर और प्याज। अब इसमें हम ये मसाला जो पिसा था वो डाल देंगे। पूरा मसाला इसमें डाल देंगे। अच्छे से फिर और दो से तीन मिनट तक इसे भूनेंगे। फिर इसमें बटाने डाल देंगे। तो खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है। ये दो से तीन मिनट से ये हमारा अच्छे से भुने जा रहा है। इसमें इस तरह से तेल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम नमक और चुटकी भर शक्कर डालेंगे। ये टेस्ट के हिसाब से हम बिल्कुल पाव टी स्पून डाल रहे हैं। आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। बिल्कुल पाव टी स्पून शक्कर। अब इसमें हम बटाने डाल देंगे। जो बटाने भुनने से हल्का सा बस खाली पानी में बस डाल के एक मिनट से डेढ़ मिनट तक रहने दिया, तो उसे छन्नी में निथार दिया। उसे बॉईल नहीं किया हमने। तो इसका कलर हमें इस तरह है धीरे धीरे रहने देना है। अब हम मेथी की भाजी डाल देंगे। ये इस तरह से हमने बॉयल पानी में डाल के से एक छन्नी में निथार दिया। ये पूरी भाजी डालेंगे इस तरह से। पूरी भाजी हमने डाल दी है। इसे अच्छे से दो तीन मिनट और भून लेंगे। इसके बाद हमने जो दूध और मलाई रखी थी वो डाल देंगे। ग्रेवी के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। ये जार में हमने थोड़ा सा दूध डाला है। ये थोड़ा से एक से दो मिनट और भून लेंगे। फिर जो ये मलैया दूध रखा था ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं मलाई के बदले। बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है ये भाजी मेथी मटर मलाई। थोड़ा सा और नमक लगेगा तो थोड़ा सा नमक और डालेंगे।
आप आपके हिसाब से चक्कर डालें। इसे थोड़ा हम 2 से 3 मिनट तक और थोड़े बटाने गलने उतना से पकने देंगे। इसके बाद जो मलाई रखी थी हमने वो इस पे धुएं की गूले इसमें धुएं के तड़का देंगे हम इसमें ढाबे वालों की तरह इस टाइप की बना रहे हम, तो इसमें हम मलाई का तड़का डालेंगे। थोड़े बटाने गलने के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे और हमें लगेगा और ग्रेवी, तो हम इसमें और 1 कप बिल्कुल 4 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। इसे अब ढक के इसे पकने देंगे 2-3 मिनट। हमने इसमें टोटल 2 चम्मच दूध डाला है थोड़ा ग्रेवी के लिए। अब इस पर हम बघार डालेंगे। ये जो मलाई रखी थी हमने ये डालेंगे इसमें। थोड़ा सा तेल भी डालिए। इस तरह से इसमें तरह से अब इसे हम हमारे भाजी पे डाल देंगे। ये काजू को हमने जो रखा था तड़के के लिए ये फ्राई करें तो गोल्डन ब्राउन होने देंगे, तो सब गैस बुझा देंगे और उसको तड़का डाल देंगे। इस पर हम ये जो फ्राई करे हुए काजू थे वो डाल देंगे और फिर मलाई से गार्निशिंग करेंगे। हाँ लीजिए बहनों, ये हमारी मेथी मटर मलाई तैयार है। इस पर हमने थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाली है, आप चाहे तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी थी।